हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 6, लिनियर इनइक्वालिटीज़ का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग 23 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या बोलता है 23, फाइंड ऑल पेयर्स, मतलब जोड़ा ऑफ कंसिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कंसिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का हमको जोड़ा चाहिए, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। और जो दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, वो दोनों क्या होने चाहिए, तो 10 से छोटा होना चाहिए, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। उस तरह से ताकि उसका सम निकालें, ऐड करें, तो क्या हो जाए, 11 से अधिक हो जाए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, हमको पेयर लिखना है कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर का लगातार। मतलब यदि हम लोग 3 लेंगे तो अगला 5 होगा, यदि 5 लेंगे तो 7 होगा, 7 लेंगे 9 लेंगे होगा, 9 होगा तो 11 होगा, 11 होगा 13 होगा, 13 होगा दूसरा 15 होगा। इस तरह से हमको क्या चाहिए, तो पेयर चाहिए। ठीक, पेयर चाहिए तो हम लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड ऑड पॉजिटिव इंटीजर आर एक्स एंड दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू। देखिए 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 होगा यदि 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 9 है, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, मतलब जो भी होगा एक्स, एक्स में एक्स प्लस 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, दूसरा पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर निकल जाएगा। मतलब एक्स एंड हो गया एक्स प्लस 2। अब हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन, वो देखिए देन बोलता है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब दोनों जो होगा वो क्या होगा, 10 से छोटा। इसको मान लेते हैं 1, ये भी हो जाएगा 10। यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो जाएगा x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 10 माइनस 2, यहाँ लिख दीजिएगा आप, तो जाएगा x लेस देन 8। इससे हम लोग लाएँ यहाँ पर, अब जो है एक देन और क्या दिया गया है, और दिया गया है एंड देयर सम इज मोर देन 11। मतलब x प्लस 2 मोर देन, मतलब 11 से अधिक, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। अब हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 11 माइनस 2, तो कट जाएगा, हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 9, मतलब हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन 9 बाय 2, मतलब हो जाएगा x ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 9 बाय 2, मतलब 4.5। इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 3। अब 3 रिलेशन आया है यही क्वेश्चन से। बोलता है पहला जो है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, और दोनों जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए वो 10 से क्या होना चाहिए, तो छोटा होना चाहिए। तो x हो गया लेस देन 10, x प्लस 2 लेस देन 10, तो इस रिलेशन से हम लोग क्या आया, x लेस देन 8। फिर बोलता है यदि एंड देयर सम इज ग्रेटर देन 11, मतलब मोर देन 11, मतलब इन दोनों को जोड़ दिए x और x प्लस 2 को, तो क्या होगा, 11 से अधिक। जब इसको सॉल्व किए तब मेरा आ गया x ग्रेटर देन 4.5। अब देखिए 3 रिलेशन है, तो तीनों में मेरा जो है रिक्वायर्ड नंबर्स ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन होंगे, सबसे पहले क्या ढूंढना है, तो रिक्वायर्ड ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, ध्यान दीजिए, सोचिए क्या क्या हो सकता है। यदि इसको आप नंबर लाइन पर ड्रॉ कीजिएगा तो भी इसको आप बना सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, कितने कितने संख्या हैं, मान लीजिए इधर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर आके मान लेते हैं कि इधर 10 है। तो क्या बोलता है, 10 से छोटा, पहला वाला बोलता है 10 से छोटा, 10 से छोटा इधर होगा बच्चा। फिर क्या बोलता है, 8 से छोटा, तो इधर कहीं 8 होगा, तो बोलता है 8 से छोटा। फिर क्या बोलता है, 4.5 से बड़ा, तो 4.5 इधर होगा, तो 4.5 से बड़ा। अब देखिए इसमें कॉमन कहाँ है, तीनों लाइन आपस में मिल कहाँ रहा है, देखिए ध्यान से देखो, तो तीनों लाइन कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, देखो ए पेयर एक पॉइंट यहाँ पे जो है ए मिल रहा है, फिर यहाँ, मतलब इसी के बीच वाला मिल रहा है, ये मेरा कॉमन है। तो कॉमन कहाँ से कहाँ है, 4.5 से 8 तक, मतलब इसको हम लिख सकते हैं x जो होगा वो 8 से छोटा होगा और क्या होगा, 4.5 से बड़ा होगा।
नहीं बोल सकते हैं कॉमन, इन तीनों का कॉमन, तीनों लाइन आपस में कहाँ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, मतलब कॉमन हो गया, मतलब होगा 4.5 से x बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा, वहाँ से ढूंढिए कि x का वैल्यू क्या होगा, तो सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x आर, क्या हो जाएगा, सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x आर क्या क्या होगा, ऑड नंबर ढूंढना है, यहाँ से 4.5 से आगे तक कितना होगा, ज़्यादा होगा रिक्वायर्ड नंबर, तो 4.5 के आगे हो जाएगा 5, 6, 7, 8 तो लेना ही नहीं है, तो इन दोनों, इन तीन में, तो इन तीनों में हम लोग को ऑड कौन कौन है, ऑड नंबर 5 और 7, तो हो जाएगा 5 एंड 7, 5 एंड 7, देयरफोर हमको क्या चाहिए, तो रिक्वायर्ड पेयर, हमको पेयर चाहिए, तो पेयर मतलब क्या होगा, इन दोनों का जोड़ा x और x प्लस टू, यदि x का वैल्यू 5 लेंगे तो दूसरा कितना, 5 जोड़ 2, 7, एंड यदि हम लोग 7 लेंगे तो दूसरा क्या होगा, 9, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर, जो बोथ ऑफ पिच दोनों क्या होगा, 10 से छोटा, देखिए दोनों क्या है, 5 भी 10 से छोटा है, 7 भी 10 से छोटा है, यहाँ 7 भी 10 से छोटा है, 9 भी 10 से छोटा है। अब जो है फिर क्या बोलता है, देयर सम इज ग्रेटर देन 11, तीनों को जोड़ेंगे, 7 और 5 12, तो देखिए दोनों का जोड़ 11 से अधिक, 9 और 7 16, दोनों का जोड़ क्या होगा, 11 से अधिक, मतलब सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। यदि इसी क्वेश्चन में आ, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको बताएंगे नहीं, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलता है 24 फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे ऑड लिखा हुआ है, अबर क्या बोल दिया है, इवन, तो इवन में भी तो वही होगा ना, यदि हम लोग इवन यदि लें तो इवन में यदि हम लोग 2 लेंगे तो अगला कितना होगा, 4, यदि 8 लेंगे दूसरा अगला कितना होगा, 10, यदि 12 लेंगे तो अगला क्या होगा, 14, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का है, मतलब 12 में 2 जोड़ देंगे 14, 8 में 2 जोड़ देंगे 10, मतलब उसमें भी जो होगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है यदि इसको आप बनाइएगा 24 का, 24 में क्या बोलता है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट कर लीजिए, तो यहाँ पे ऑड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो सेम हो जाएगा, वही वाला होगा। फिर बोलता है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, अब दोनों जो है क्या है, तो 5 से अधिक है, दोनों मेरा क्या बोलता है, 5 से अधिक है, मतलब वहाँ पे x भी क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 5 और हो जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन 5, तो हो जाएगा कितना, x प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 5 माइनस 2, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन 3, इसको 1, 2। और बोलता है एंड देयर सम इज लेस देन 23, एंड क्वेश्चन क्या बोलता है, एंड देयर सम, तो x प्लस 2 क्या बोलता है, सम इज लेस देन 23, तो लेस देन 23, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 लेस देन 23, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 23 माइनस 2, तो हो जाएगा 2x लेस देन 21, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2x/2 लेस देन 21/2, 2 विल कैंसल, x हो जाएगा लेस देन 10.5, होगा 10.5। अब मेरा जो इतना आ गया है, अब तीनों, ये मेरा रिलेशन नंबर 3, अब तीनों का कॉमन देखना है, x का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए, फिर बोलता है x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए और 10.5 से छोटा होना चाहिए। तो यदि आपको डायरेक्ट नज़र आ रहा है क्या क्या होगा, 3 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ बोलता है 5 से बड़ा, यहाँ बोला है 3 से बड़ा, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा और 10 से छोटा में कितना होगा, तो 6, 7, 8, 9, 10 भी होगा, क्योंकि यहाँ 10.5 से छोटा है, मतलब क्या होगा, तो एक मेरा 10 भी होगा। तो मेरा इसमें कौन कौन सा बोलता है, ऑड पॉजिटिव, सॉरी इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो ढूंढिए इवन कौन कौन है, तो 6, 8 और क्या हो जाएगा, 10, तो 6, 8, 10 जो पेयर बनेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया, तो लिख सकते हैं देयरफॉर, सो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स आर कितना हो जाएगा, 6, 8 एंड 10, तो इसको इस तरह भी ले सकते हैं, एक्स लेस देन 10, मतलब 10.5, फिर लेस देन हो जाएगा कितना, 5,
ये हो जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर्स छः लेंगे, दूसरा हो जाएगा आठ, अब आठ लेंगे दूसरा हो जाएगा दस, एंड यदि दस लेंगे तो क्या हो जाएगा बारह, दस लेंगे तो क्या हो जाएगा बारह। अब देखिए सारा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, क्या बोलता है बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन फाइव, देखिए दोनों क्या है पाँच से बड़ा है, दोनों पाँच से बड़ा है, दोनों पाँच से बड़ा है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए ताईस से छोटा, आठ और छः चौदह ताईस से छोटा है, दस और अठारह ताईस से छोटा है, दस और बारह बाईस ताईस से छोटा है, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। यदि इन तीनों जो रिलेशन है उसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना है इधर थ्री फोर फाइव सिक्स, इधर ले लीजिए इधर हो जाएगा टेन, इधर हो जाएगा इलेवन, इधर होगा टेन पॉइंट फाइव, तो क्या बोलता है पाँच से बड़ा, इधर पाँच तो पाँच से बड़ा इधर होगा बाबू, फिर होता है तीन से बड़ा तो तीन इधर है, तीन से बड़ा इधर हो गया, फिर बोलता है दस दशमलव पाँच से छोटा, ये है दस दशमलव पाँच से छोटा इधर हो गया। देखिए तीनों लाइन आपस में कहाँ मिल रहा है, ए लाइन ए लाइन ए लाइन आपस में कॉमन कहाँ से कहाँ है, देखो यहाँ से यहाँ तक है, ये ना कॉमन है, अब इसके बीच में कौन कौन सा नंबर आ रहा है, देखिए छः सात आठ नौ दस, यही लिखे छः सात आठ नौ दस, उसमें हमको क्या लेना है इवन लेना है, तो इवन नंबर छः आठ दस था तो वही लिए छः आठ दस। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था 24 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज थ्री टाइम्स, बोलता है एक ट्रायंगल की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25, एक ट्रायंगल है हम लोग चलो एक ट्रायंगल बना दिए इस तरह से, मान लेते हैं वह ट्रायंगल मेरा ए बी और सी एक कोई ट्रायंगल है, बोलता है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज थ्री टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, जो सबसे ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा वाला भुजा है वह सबसे छोटा वाला से कितना है तीन गुना है, मतलब सबसे यदि मान कर सबसे छोटा वाला यदि तीन सेंटीमीटर होगा तो बड़ा वाला तीन गुना होता है नौ सेंटीमीटर होगा, तीन गुना है, तो लेट कर लीजिए लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो कितना मान लिए एक्स सेंटीमीटर, तो देयर क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट साइड लॉन्गेस्ट साइड कितना हो जाएगा, बोलता है थ्री टाइम्स तो हो जाएगा थ्री एक्स। अब क्या बोलता है क्वेश्चन उसके आगे देखिए, फिर बोलता है एंड द थर्ड साइड इज टू सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, जो तीसरा जो साइड होगा वह लॉन्गेस्ट साइड से दो सेंटीमीटर छोटा होगा, तो हो जाएगा थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा जो लॉन्गेस्ट साइड से छोटा, लॉन्गेस्ट साइड ये मेरा है थ्री एक्स, उससे क्या बोलता है दो सेंटीमीटर छोटा, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा थ्री एक्स, ये हो गया एक्स, ये हो गया थ्री एक्स माइनस टू, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, बोलता है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61, कम से कम 61 होगा सेंटीमीटर होगा, बोलता है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड का कम से कम लंबाई क्या होगा, तो अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर बोलता है तो पेरीमीटर क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हो जाएगा एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू प्लस थ्री एक्स, बोलता है कम से कम मतलब एटलीस्ट मतलब वेरिएबल के साथ ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाएगा 61 बोला है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा बाबू हो जाएगा तीन और तीन 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 छः और एक सेवन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 61, ये हो जाएगा सेवन एक्स माइनस टू प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 61 माइनस टू, अब जो है अब कितना हो जाएगा देखिए मतलब क्या होगा सब्ट्रैक्टिंग बाय टू ऑन बोथ साइड, तो टू टू विल कैंसल हो जाएगा सेवन एक्स ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाएगा 59। अब देखिए अब इसको यदि सॉल्व कीजिएगा सॉरी यहाँ पर प्लस ना होगा इसको प्लस कीजिएगा कितना होगा 63 होगा, अब जो है 7 से डिवाइड कर दीजिए हो जाएगा 7x डिवाइड बाय 7 हो जाएगा 63 डिवाइड बाय 7 तो हो जाएगा
डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड, तो ये मेरा हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब x का वैल्यू क्या होगा 9 सेंटीमीटर आ तो उससे अधिक। मतलब हम लोग को बोला था क्वेश्चन कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो सबसे छोटी वाली भुजा का लंबाई बताना है मिनिमम लेंथ, तो सबसे छोटा वाला भुजा कितना होगा, जो सबसे छोटा भुजा क्या माने हैं x, मतलब उसका लेंथ क्या होगा 9 सेंटीमीटर होगा। मतलब देयरफोर लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर 9 सेंटीमीटर होगा। सबसे छोटा क्या होता है 9 होगा तो 9 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे छोटा क्या होगा तो शॉर्टेस्ट साइड 9 सेंटीमीटर होगा। अब इस तरह से जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 25 वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन हैं वो जो है बहुत ही आसान है, सिर्फ मेन है उस क्वेश्चन को समझना कि वो क्वेश्चन बोलता क्या है, उसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो उतना समय में आ जाएगा फिर बनाना तो आसान है ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस, एक सिंगल पीस है, कितना नंबर क्वेश्चन है 26, एक जो है सिंगल लेंथ कोई पीस है, हमको पता नहीं वो कितना है। अब क्या बोलता है इसको, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम द सिंगल, इसको तीन भाग में वो क्या करता है बांटता है, तीन भाग में क्या बोलता है, पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, इस बोर्ड का जो लंबाई है वो कितना है बाबू तो 91 सेंटीमीटर, इसका मैक्सिमम जो लेंथ है वह 91 सेंटीमीटर है। अब बोलता है द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर, बोलता है जो सेकेंड लेंथ जो है वह वो क्या बोलता है सबसे छोटा वाला से 3 सेंटीमीटर क्या है बड़ा है, क्या बोलता है तीन भाग में बांटा है, मान लेते हैं जो भी होगा तो एक होगा छोटा वाला इधर, इधर दो ठो इधर बड़ा मान लेते हैं, तो क्या बोलता है जो छोटा वाला पार्ट जो सेकेंड पार्ट है वह सबसे छोटा वाला से 3 सेंटीमीटर बड़ा है, तो मान लेते हैं सबसे छोटा वाला पार्ट कितना है x, यदि इसको हम लोग सेकेंड पार्ट यहाँ मान लें तो सेकेंड पार्ट क्या बोलता है तो x प्लस 3, कि छोटा वाला क्या बोलता है 3 सेंटीमीटर अधिक, तो हो जाएगा x प्लस 3। और क्या बोलता है एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, और जो है जो बड़ा वाला जो साइड है वो कितना होगा तो सबसे छोटा वाला से दो गुना होगा, तो सबसे छोटा वाला से दो गुना, तो तीसरा साइड ए तीसरा पीछे बच गया है तो सबसे छोटा वाला से क्या हो जाएगा दो गुना, तो इसको आप लिख दीजिए लेट शॉर्टेस्ट लेंथ वो कितना है x सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सेकेंड पीस लेंथ ऑफ पीस सेकेंड पीस कितना है x प्लस 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ थर्ड पीस कितना है दोगुना बोला था तो हो जाएगा 2x। और उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब बोलता है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, तो उस शॉर्टेस्ट बोर्ड का एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, कि इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, यदि वह जो है थर्ड पीस है वह सेकेंड वाला से कितना बोलता है तो 5 सेंटीमीटर उससे क्या है बड़ा तो बराबर है। वही बोलता है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट, कम से कम तो कितना है 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा। मतलब इसको आप मैथमेटिकली लिखिएगा तो हो जाएगा एंड, पहला से इतना लिए हैं दूसरा से क्या हो जाएगा तो थर्ड पीस जो है वो थर्ड पीस का लेंथ कितना है 2x, सब में सेंटीमीटर होगा 2x है, वो क्या बोलता है सेकेंड पीस से वो क्या है 5 सेंटीमीटर अधिक, तो सेकेंड पीस कितना है बाबू हो जाएगा एक्स प्लस 3, और ये क्या है एक कम से कम बड़ा है, तो कम से कम बड़ा को क्या कम से कम एटलीस्ट के साथ ये बड़ा कौन है ये है बड़ा, वो कितना बड़ा है 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इधर कीजिएगा तो 5 आपको बैलेंस करने के लिए इधर देना होगा। तो इस तरह से ये हम लोग का कंडीशन आ चुका है।
इतना। अब ये मेरा रिलेशन वन हो गया और दिया गया है कि इसका टोटल लेंथ कितना है 91 पीस का, मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा 91। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हो जाएगा एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स, तो क्या होगा 91। तो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम कितना होगा 91 होगा, आ तो उससे क्या होगा कम, मतलब हम लोग का जो वैल्यू होगा 91 आ तो उससे कम। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, मान लेते हैं रिलेशन वन चिट्टू मान लीजिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो जगह एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स लेस देन 91 लेस देन इक्वल टू 91, तो होगा दो और दो चार, फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू 91, तो ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा फोर एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू नाइन माइनस 91 माइनस थ्री, तो जाएगा फोर एक्स लेस देन इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 88 है ना होगा, तो यहाँ लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग बाय थ्री ऑन बोथ साइड, अब जो क्या फोर से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा फोर एक्स डिवाइड बाय फोर लेस देन इक्वल टू 88 बाय फोर, तो ये मेरा हो गया डिवाइडिंग बाय फोर ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा एक्स लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा 22, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा 22 सेंटीमीटर से छोटा होगा तो फिर बराबर होगा, कम से कम जो मिनिमम लेंथ होगा ये जो सबसे छोटा वाला पीस का वो कितना होगा 22 सेंटीमीटर आ तो फिर उससे कम। अब देखिए फ्रॉम टू ये कितना है बाबू 2x greater than equal हो जाएगा x, 5 और 3 कितना होगा 8, x को इधर ले आइए तो हो जाएगा 2x minus x greater than equal to 8, तो इसमें क्या किए ट्रांसफरिंग x from right side to left side, मेरा राइटिंग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा राइटिंग के साथ, हो जाएगा x greater than equal to 8। तो इसमें मेरा रिलेशन आया क्या बोलता है x का वैल्यू जो होगा वह 8 सेंटीमीटर से बड़ा तो बराबर और क्या होगा 22 सेंटीमीटर से छोटा तो बराबर। तो अब बताइए कि इसका जो है मिनिमम लेंथ मतलब कॉमन क्या होगा, तो देखिए वैल्यू मेरा क्या हो सकता है इसके लिए, तो क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ यही हो गया कि मिनिमम जो होगा लेंथ तो होगा 8 सेंटीमीटर आ तो उससे अधिक, और यदि मैक्सिमम होगा तो क्या होगा 22 सेंटीमीटर आ तो उससे छोटा। तो इसको आप लिख सकते हैं तो हो जाएगा देयरफॉर इन दोनों को यदि मिलाइएगा तो हो जाएगा x लेस देन इज इक्वल टू 22 और हो जाएगा यह 8, क्योंकि x का वैल्यू 8 से बड़ा, देखिए 8 से बड़ा तो बराबर और 22 से छोटा तो बराबर। यदि ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि सर एक कैसे आया, तो हो जाएगा इसका आंसर आप तो फिर इसी को वर्ड में लिखना चाहिएगा तो भी लिख सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को यदि आप सोचिए ए जो आखिर आया कैसे, आखिर इसको आप कैसे लिखें, तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए यदि कन्फ्यूजन है नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, छोटा कौन है 8, इधर कितना है बाबू 22, इधर आगे होगा क्या बोलता है 22 से छोटा तो बराबर है मतलब यहाँ क्लोज इंटरवल, उससे छोटा तो इससे छोटा पूरा इधर आएगा, 8 से बड़ा तो बराबर 8 इधर है वो बराबर है मतलब इसको डार्क करेंगे बड़ा क्या हो जाएगा इधर। तो देखिए इन दोनों लाइन में कॉमन कहाँ कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक मतलब ए यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है मतलब इसके बीच का वैल्यू, मतलब एक्स क्या होगा 8 से बड़ा तो बराबर और 22 से छोटा तो बराबर। तो इसको आप वर्ड में यदि लिखना चाहें तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं क्या है, तो बोला था कि फाइंड द वाटर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस शॉर्टेस्ट बोर्ड, तो हो जाएगा पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इज, इधर मिटा देते हैं, पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पी ओ ए आर डी बोर्ड इज क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू और
इक्वल टू एट, बट आठ से बड़ा तो बराबर, लेकिन क्या होना चाहिए, बट लेस देन, लेस देन और इक्वल टू 22, जो होगा शॉर्टेस्ट लेंथ का लंबाई, आठ से बड़ा तो बराबर और क्या होगा 22 से छोटा तो बराबर। तो इस तरह से इसका जो है आपका आंसर आ गया। अब इसमें जो है एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसमें जो है मैक्सिमम जो जितने सारे क्वेश्चन थे इस मैक्सिमम का इस पहला जो एक्सरसाइज था 6.1 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल। अभी हम लोग देखे थे जितना भी था एक वेरिएबल में था, मतलब लिनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल था। अब हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे लिनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ और क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में इतना है कर लिए, कुछ कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे जो आपको किसी सिन्हा में है, आर एस अग्रवाल में मिलेगा, जो मॉडुलस का जो क्वेश्चन था, फिर ए बाय बी के केस में जो था वो सारा क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया एनसीईआरटी में। तो कुछ कुछ क्वेश्चन और हम लोग एक एक दो दो क्वेश्चन उसमें कर लेंगे, ताकि यदि आगे आपको जो और उस टाइप का क्वेश्चन यदि मिले तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया वो समझ में आ गया होगा, और 6.1 जो एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब जो बचा हुआ जो कुछ है तो हम लोग मॉडुलस वाला देख लेंगे क्वेश्चन उससे रिलेटेड। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।